बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनाडोल सीएफ के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इस पे इसको प्रेस करके आल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं जी। ये मेरे पास पेनाडोल सीएफ का डब्बा है, ये पेनाडोल सीएफ होती है। कुछ अरसे पहले मैंने पेनाडोल सीएफ डे पे वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वक्त ये जो प्लेन पेनाडोल सीएफ है ये शॉर्ट थी, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका। अब ये जो है मार्केट में दोबारा आ गई है, तो अब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जी पेनाडोल सीएफ होती है। अगर मैं अंदर से खोल के आपको इसका पत्ता दिखाऊँ, तो ये जी इसका पत्ता होता है। तो ये जी पेनाडोल सीएफ की शेप है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके फार्मूले की। तो इसका फार्मूला जी थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले जी इसके फार्मूले में शामिल है पैरासीटामोल, और उसके बाद सुडोफ्रेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, और सबसे आखिर में इसमें शामिल है क्लोरोफिनरामाइन मिलिएट। तो ये जी इसका फार्मूला है। तो अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी जीएसके, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो इसके बेनिफिट्स में शामिल है जी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मौसर है। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी है तो उसके लिए भी ये काम आ जाती है। जैसे कि अगर नज़ला आपको किसी चीज़ से, यानी कि जैसे कि डस्ट एलर्जी से या इस तरह की कोई और जो एलर्जी वाली चीज़ें होती हैं उनसे अगर आपको एलर्जी करके हुई है, तो उससे जो है ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये जिस्म दर्द और पट्ठों में दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो आप जिस तरह भी इसे इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, आपने उसके मुताबिक जो है ये टैबलेट्स इस्तेमाल करनी है। तो अब मैं इसका नेगेटिव पॉइंट भी आपको बताता चलूँ। इसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, और वो ये है कि ये आपके नज़ला ज़ुकाम को बहने नहीं देता, बल्कि उसे रोक लेता है, फौरन ही दिमाग में जो है जमा देता है। मैंने इसे यूज़ किया है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये नज़ले को फौरन ही दिमाग में जमा देता है। बल्कि होना ये चाहिए कि दिमाग से जो है नज़ले को बाहर निकाले, लेकिन ये फौरन ही उसे जमा के ख़त्म कर देता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके यूज़ की। तो इसके यूज़ ये हैं कि ये तीन टाइम के मुताबिक यूज़ की जाती है, यानी सुबह, दोपहर, शाम जो है आपने इसे यूज़ करना है, जब तक कि आपका नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो है ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक आपने यूज़ करना है। उसके बाद फौरन इसे छोड़ दें, क्योंकि ये जो है फौरन ही जो है साइड इफ़ेक्ट दिखाना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। बाकी जिस तरह भी डॉक्टर आपको कहे, इसे टू टाइम्स में भी यूज़ किया जाता है, डॉक्टर इसे टू टाइम्स भी लिख के देते हैं और इसे तीन टाइम के हिसाब से भी लिख के देते हैं।
तो जिस तरह भी आपको डॉक्टर कहे आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ कर लेना है। और बराए मेहरबानी, जिस तरह मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी दवाई जो है इस्तेमाल ना करें, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, बराए मेहरबानी इस मेडिसिन के साथ भी मैं यही कह रहा हूँ कि आपने डॉक्टर के मशवरे से जो है इसे यूज़ करना है, बिला वजह इसे यूज़ ना करें, आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जी इसके यूज़ेस थे। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स पे। तो वैसे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, आपको एहतियात बरतनी चाहिए। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि इससे नोज़िया हो सकता है, इससे आपको जिस्म में भारीपन महसूस हो सकता है, उल्टियाँ आ सकती हैं, चक्कर आ सकते हैं, और इसके अलावा जिस्म में भारीपन महसूस हो सकता है। ये इसके जी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब बात रह जाती है इसकी कीमत की। तो इसकी कीमत जी बॉक्स की जो कीमत है वो है 354। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, 354 इसके बॉक्स की कीमत है, यानी ये एक टैबलेट जो है 3.5 रुपये की बनती है, 3.5 रुपीस की ये एक टैबलेट है। तो आपको जिस हिसाब से भी, जिस तरह भी डॉक्टर आपको रेकमेंड करे, आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है और इसे परचेज़ कर लेना है। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।